हेलो दोस्तों, जेड के एक्वेरियम में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कि एक्वेरियम के पीछे आप पोस्टर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो एक्वेरियम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आज हम आपको बताएँगे कि एक्वेरियम के पीछे आप पोस्टर कैसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक्वेरियम के पीछे आप पोस्टर कैसे लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसे आप देख रहे होंगे, ये हमारा एक्वेरियम है। ये एक्वेरियम अभी स्टैंड है, इसको हमें पलट के पोस्टर लगाना है। पोस्टर हमेशा एक्वेरियम के पीछे ही लगता है, अंदर नहीं लगता। अंदर अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी से जो है ख़राब हो जाता है, निकल जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप एक्वेरियम पलटेंगे तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे या थर्माकोल आप नीचे रख लेंगे, आसानी से पलटेंगे, नहीं तो शीशा टूट सकता है। जैसे हम दोनों हाथ लगा के आराम से पलट रहे हैं, ठीक इसी तरह आपको पलटना है। आप आसानी से पलट लीजिए। पलटने के बाद में आपके पास पानी होना चाहिए या क्लीनर हो, क्लीनर न्यूज़पेपर हो, जिससे आप पीछे जहां आपको पोस्टर चिपकाना है उसको अच्छे से आपको साफ़ करना पड़ेगा। पहले क्लीनर से आप स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद न्यूज़पेपर से आप जो है ग्लास को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। जब आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे तो पोस्टर भी बहुत अच्छे से चिपकेगा और एयर नहीं लेगा। तो इस तरह से आपको जो है साफ़ कर लेना है ग्लास को। ये देख सकते हैं, अब हमारा ग्लास क्लीन हो गया। अब हम एक्वेरियम में जो है पोस्टर चिपकाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप पोस्टर चिपकाएं तो वाइट टेप का ही यूज़ करें, ना कि कलरफुल टेप का यूज़ करें। कलरफुल देखने में भी ख़राब लगता है और अच्छे से चिपकता नहीं है, बहुत जल्दी ही छोड़ देता है, जिससे आपका पोस्टर निकल जाता है और एयर भी आ जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस तरह की गलती आप मत करिएगा। कलर टेप न यूज़ करिएगा, वाइट टेप ही यूज़ करिएगा। तो चलिए हम एक्वेरियम में पोस्टर चिपकाते हैं। सबसे पहले आपको जितना बड़ा आपका एक्वेरियम हो उतना बड़ा आपको पोस्टर काट लेना है। तो जैसे हमारा 2 फीट का एक्वेरियम है तो 2 फीट का एक्वेरियम का हम पोस्टर काटेंगे, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा काटेंगे, इसलिए जिससे टेप उसमें बहुत ही अच्छे से चिपक जाए, निकले ना बार बार। अब जैसे हम पोस्टर काट रहे हैं ना, तो हम थोड़ा बड़ा काट रहे हैं जिससे हम बाद में इसको एडजस्ट कर लें। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप पोस्टर काटेंगे तो बहुत ही सेफली काटेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से चिपका देना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले आप एक्वेरियम के पीछे ही टेप लगाएंगे, और टेप पूरा नहीं लगाएंगे, केवल रोकने भर के लिए दोनों किनारे पर टेप लगाना है आपको। इस थोड़ा सा स्पेस दे देना है, स्पेस इस वजह से दिया जाता है जिससे टेप अच्छे से शीशे में चिपक जाए और पोस्टर में भी निकले ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे पोस्टर चिपकाते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों किनारे साइड पर थोड़ा थोड़ा टेप लगा देते हैं, जिससे पहले एक्वेरियम रुक जाए, उसके बाद में हम बाद में इसको जो है अच्छे से टेप लगा के रोकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको टेप लगाना है। टेप लगाने के बाद आप आगे पीछे बगल देख लेंगे बराबर है कि नहीं। बराबर नहीं है तो आप ब्लेड से काट के उसको बराबर कर लीजिएगा। काटते समय आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा ज़्यादा काटना है, जिससे स्पेस बचा रहे, आप जिसमें जो है टेप चिपका सकें अच्छे से। जैसे ये हम काट रहे हैं, काटने के बाद आप निकाल लीजिए ये। हाँ, इस तरह आपको काट के निकाल देना है ब्लेड से, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है जिससे टेप अच्छे से चिपक जाए यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ भी थोड़ा टेप लगाना है, केवल आपको अभी रोकना है, अभी आपको पूरा टेप नहीं लगाना है। तो आप थोड़ा टेप लगा के दोनों तरफ पोस्टर को पहले रोक दीजिए, जिससे जब चारों तरफ बराबर हो जाएगा तो आप अच्छे से चिपका सकते हैं। अब आप इधर आ जाइए और इस साइड भी बराबर कर लीजिए। पहले आपको ब्लेड से काट के बराबर कर लेना है।
जैसे उस तरफ काटे थे इसी तरह इधर भी काटना है, और आपको हल्का टेप मार के पहले रोकना है जैसे उधर रोके थे। तो ये दोनों तरफ हमने टेप लगा के रोक दिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम आपको बता दें कि जब आप आगे की तरफ पोस्टर काटिएगा तो आगे की तरफ आपको 1 इंच छोड़ना है, जिससे एक्वेरियम का जो टेप लगाएंगे पोस्टर में वो ऊपर वाले शीशे पे ना आए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जब आप उसी शीशे पे चिपका देंगे तो पानी का दाग धब्बा अंदर नहीं जा पाता है, बहुत ही सेफली रहता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो आपको 1 इंच छोड़ के काटना है, जैसे हम काटने जा रहे हैं 1 इंच लगभग छोड़ दे रहे हैं। छोड़ने के बाद हम ब्लेड से इसको काट दे रहे हैं, ब्लेड से हमने इसको काट के निकाल दिया 1 इंच के लगभग इतना। ये 1 इंच के लगभग, अब देखिए जितनी स्पेस छूटी है ना उतने में टेप एकदम आसानी से आ जाएगा। और सबसे पहले हम ऊपर ही टेप लगाते हैं, सबसे पहले ऊपर लगा के हम इसको बंद कर देंगे। अब देख सकते हैं ये हमने ऊपर टेप लगा दिया और हाथ से प्रेस करके ऊपर वाला पूरा अच्छे से चिपका दिया। आप भी हाथ से प्रेस करिएगा, ये हाथ से प्रेस कर दिए, एक तरफ ऊपर का क्लियर हो गया। अब इधर पानी नहीं आ पाएगा और किसी भी प्रकार से अब ये निकलेगा नहीं। वाइट टेप ज़्यादा अच्छा काम करता है। उसके बाद में आपको पीछे टेप लगाना है, पीछे टेप लगा कर बराबर कर देना है जैसे हम कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी एक्वेरियम में पोस्टर लगाना है। ये आप पीछे बराबर कर दिए, पीछे बराबर करने के बाद में आपको फिर बगल में जो है बराबर करना है। तो ये टेप लगा के पहले आप इसको पोस्टर पे रखिएगा, टेप अच्छे से एयर निकालने के बाद शीशे में फिर चिपका दीजिएगा। इस तरह से आपका एक्वेरियम में पोस्टर अच्छे से लग जाएगा और कभी टेप निकलता नहीं है। ये होता है पोस्टर, एक्वेरियम में पोस्टर लगाने का सही तरीका। इस तरफ जब आप लगाएंगे तो आपको अच्छे से एयर निकाल देनी है, थोड़ी बहुत जो मान लीजिए पोस्टर में एयर रह गई वो भी निकाल दीजिए, इससे अच्छे से चिपक जाए। तो ये हमारा पोस्टर चिपक गया, अब हमारा एक्वेरियम तैयार हो गया है। तो चलिए हम आपको पलट के दिखाते हैं हमारा एक्वेरियम देखने में कैसे लगता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारा एक्वेरियम तैयार हो गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है और कहीं भी एयर नहीं लिया है, बहुत ही अच्छे से चिपक गया है। इस तरह से आप भी अपने घर पर पोस्टर एक्वेरियम में लगा सकते हैं। अगर हमारा पोस्टर लगाना आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।